जबलपुर के वेटरनरी कॉलेज में एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें देश भर के वैज्ञानिक अपने रिसर्च और शोध को प्रस्तुत कर रहे हैं। संगोष्ठी का विषय है मनुष्य, पशुओं और पौधों का एक दूसरे पर पड़ने वाला प्रभाव, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने अपने अपने शोध प्रस्तुत किए। वेटरनरी कॉलेज जबलपुर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय मानव, पशुओं और पौधों के बीच का संबंध था, साथ ही वह एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इस विषय पर विभिन्न शोधार्थियों ने अपनी रिसर्च पेश की। पूरे देश से बड़े बड़े वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपनी सोच के बारे में बताया कि किस तरह से तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये राष्ट्रीय संगोष्ठी बोले जी, राष्ट्रीय संगोष्ठी नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय में मनाई जा रही है। इसमें 3 दिन का वर्कशॉप कार्यशाला है, जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स सारे हिंदुस्तान से आए हुए हैं, केरला से लेके और जम्मू कश्मीर से लेके, नॉर्थ ईस्टर्न से लेके और इवन महाराष्ट्र, गुजरात, सभी जगह से आए हुए हैं और सब लोग शोध पत्र अपने प्रस्तुत करेंगे। जो शोध पत्र का विषय है मेनली वो क्लाइमेट चेंज का है। आजकल ये बहुत बड़ा इशू बन गया है, ग्लोबल वार्मिंग का इशू है कि किस तरीके से वो पैरासाइट पे इफेक्ट करता है और हमारे प्रोडक्शन को कैसे अफेक्ट करता है। प्रोडक्शन में दूध का कितना कम हो जाता है इस पीरियड में, इसी तरह से एग और मीट का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे उसमें। तो उसके विषय में ये विचार करेंगे 3 दिन तक और गहन इंटरेक्शन होगा सभी लोगों का। और जबलपुर में ये पहले 94 में हुई थी, उसके बाद 98 में हुई, उसके बाद 2020 में हम लोग इसको कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस तरह के करने का? इसका उद्देश्य यही है कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट क्या होता है लाइव स्टॉक पे, पशुओं पे, उसको देखने के बाद है। उसके बारे में जो रिसर्च लोगों ने की है वो रिसर्च प्रेजेंट करेंगे और यंग साइंटिस्टों को एनकरेज हम लोग कर रहे हैं, उनके लिए अवार्ड्स भी रखे गए हैं इसमें और ये 3 दिन तक चलेगी। ये संगोष्ठी जो हो रही है नेताजी नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी कर रही है और ये पैरासिटिक डिजीजेस पे हो रही है जो एनिमल्स में होती हैं, विच आर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम अपनी बात कह पाएँ संगोष्ठी में और ये जलंधर के जबलपुर के लिए अच्छी बात है कि यहाँ पर ये संगोष्ठी हो रही है। एंड मुझे जब मौका मिला तो मैं आया हूँ और अपनी बात रखने के लिए, समझाने के लिए कि किस तरह से ह्यूमन हेल्थ एंड एनिमल हेल्थ एंड प्लांट हेल्थ मीन्स सारा हमारा इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को सबको एक दूसरे की बात समझनी पड़ेगी और सुननी पड़ेगी। अक्सर क्या होता है कि ह्यूमन डॉक्टर्स होते हैं वो वेटनरी डॉक्टर्स की बात नहीं करते हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं वो ह्यूमन हेल्थ की बात नहीं करते हैं। उसी तरह से ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग अपने इकोसिस्टम को सही रखने के लिए वेटनरियंस को भी ह्यूमन हेल्थ आनी चाहिए और ह्यूमन डॉक्टर्स हैं उनको भी वेटनरी हेल्थ के विषय में कुछ आइडिया होना चाहिए, जिसमें क्लाइमेट है, एनवायरमेंट है और ड्रग रेजिस्टेंस हैं, डायग्नोस्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें सबको आनी चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है और तभी डिजीजेस कम हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।